देखिए, अब सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूरल रेगुलेशन की, न्यूरल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इसके केस में हमें सबसे पहले क्या हमें चाहिए कि हम ये इतना रीजन हमारे पास जो है ये पॉन्स का है, ये है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। तो देखिए, हमने इसमें सबसे पहले हमने न्यूरल रेगुलेशन में हमने बात की थी, इसके पास होगा मेडुला और पॉन्स, ठीक है। तो मेडुला के पास होगा डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, एपनियोस्टिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो अब इसके पास सबसे पहले तो होगा यहाँ पर न्यूमोटैक्सिक सेंटर, अपर पॉन्स में, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट होगी एपनियोस्टिक सेंटर की, फाइन। अब मेडुला ऑब्लोंगेटा में हमारे पास अराइज हो रहा है यहाँ से वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। अब इसके पास यहाँ पर जो है ये ऊपर होगा क्रेनियल पार्ट वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप का, और ये होगा कॉडल पार्ट वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप का, ठीक है। और यहाँ पर ये प्रेजेंट होगा डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ठीक है। तो जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है, इसके पास एक क्रेनियल पार्ट है, एक कॉडल पार्ट है, ठीक है। तो जो क्रेनियल पार्ट है वो जो फर्दर इसके जो मैसेजेस वगैरह होंगे इनको ये जो क्रेनियल पार्ट है लेकर जाएगा एसेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स तक, ठीक है। और एसेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स होंगे जैसे कि एंटीरियर एब्डोमिनल मसल्स। अब ये कौन से होंगे, जैसे कि इंटरनल या इंटीरियर ऑब्लिक एक्सटीरियर ऑब्लिक ट्रांसवर्स एब्डोमिनस रेक्टस एब्डोमिनस, ठीक है। तो ये सब जो होंगे, ये मतलब जो क्रेनियल पार्ट जो होगा वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप का, ये जो फर्दर जो मैसेजेस लेकर जाएगा एसेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स तक, और जिनको हम एंटीरियर एब्डोमिनल मसल्स बोलेंगे, जो कि ये सब होंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो कॉडल होगा, क्या कॉडल लेकर जाएगा कॉडल पार्ट जो होगा ये जो मैसेजेस होंगे उनको लेकर जाएगा इंटरकोस्टल मसल्स तक, फाइन। इंटरकोस्टल मसल्स तक जो होंगे मैसेजेस उनको लेकर जाएगा कॉडल पार्ट वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप का, फाइन। अब इसके बाद हमारे पास आता है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। अब डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप में क्या होगा कि जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप होगा ना, ये फ्रेनिक नर्व्स के थ्रू डायफ्राम में मैसेज सेंड करेगा। अब इसको ये डायफ्राम तक जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है वो मैसेज तो सेंड कर रहा है, पर इस तक भी तो मैसेज कोई चीज़ पहुँचाएगी ना। तो जो इस तक मैसेज पहुँचाएगी वो होंगी पेरिफेरल कीमो या बैरोसेप्टर्स, फाइन। पेरिफेरल कीमो या बैरोसेप्टर्स क्रेनियल नर्व 9 एंड क्रेनियल सॉरी हाँ और 10 के थ्रू इस तक जो है वो मैसेजेस पहुँचाएंगी, ठीक है। और प्लस इसके साथ प्रेजेंस होएगी स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो होंगे प्रेजेंट ऑन लंग्स, वो जो है क्रेनियल नर्व 10th के थ्रू डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप तक हमारे मैसेज पहुंचाएंगे, ठीक है। पेरिफेरल कीमो रिसेप्ट, अब इसमें देखिए इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमारे पास पॉन्स है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट है, यहाँ पर एपनियोस्टिक सेंटर प्रेजेंट है लोअर पॉन्स पे, ये अपर पॉन्स पे प्रेजेंट है। मेडुला ऑब्लोंगेटा की साइड पे जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है इसके पास दो पार्ट होंगे, ये क्रेनियल पार्ट हो गया, ये कॉडल पार्ट हो गया। जो क्रेनियल पार्ट है ये एसेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स तक जो है वो पहुँचा रहे हैं, और उसके बाद एंटीरियर एब्डोमिनल मसल्स तक। तो ये कौन से होंगे, इंटीरियर ऑब्लिक एक्सटीरियर ऑब्लिक ट्रांसफर एब्डोमिनस रेक्टस एब्डोमिनस। कॉडल पार्ट जो का ये इंटरकोस्टल मसल्स तक मैसेजेस पहुंचाएगा, ठीक है। तो जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है ये फ्रेनिक नर्व्स के थ्रू डायफ्राम तक
मैसेज पहुंचा रहा है, और जो डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है उस तक मैसेजेस कौन पहुंचा रहा है? पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स या बैरोरिसेप्टर्स। क्रेनियल नर्व 9th और 10th के थ्रू ये डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप तक मैसेजेस पहुंचा रहे हैं, और जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होंगे लंग्स के ऊपर वो बाय क्रेनियल नर्व 10th डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप के ऊपर मैसेजेस पहुँचाएँगे। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या होगा कि एक और मतलब जो इसकी मेन चीज़ है वो एक और है कि जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है ना वो इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन को कंट्रोल करता है, और जो डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है वो केवल इंस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब जो एपनिउस्टिक सेंटर है ना ये पॉजिटिव फीडबैक देगा डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप दोनों को पॉजिटिव फीडबैक देगा, और जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है वो इसको नेगेटिव फीडबैक देगा न्यूमोटैक्सिक सेंटर को। फाइन, तो ये हमारे पास न्यूरल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है,